Dear students, today we will discuss the MCQ of the chapter Black Aeroplane. Let's begin. The Black Aeroplane is written by Frederick Forsyth, Liam O'Flaherty, Robert Frost, Caroline Wells. The answer is Frederick Forsyth. The Black Aeroplane is written by Frederick Forsyth. Black Aeroplane फ्रेडरिक फोर्सिथ के द्वारा लिखा गया है. इन विच डायरेक्शन वाज द मून कमिंग अप बिहाइंड द पायलट. पायलट के पीछे चांद किस दिशा में ऊपर उठ रहा था. इन द वेस्ट, इन द ईस्ट, इन द नॉर्थ, इन द साउथ. द आंसर इज इन द ईस्ट. पायलट के पीछे चांद पूर्व दिशा में ऊपर उठ रहा था. नेक्स्ट, व्हाट वाज द नरेटर फ्लाइंग. कथावाचक क्या उड़ा रहा था. यहां द नरेटर पायलट खुद है, क्योंकि पायलट ही ये सारी कहानी बता रहा है. व्हाट वाज द नरेटर फ्लाइंग. कथावाचक क्या उड़ा रहा था. डेकोटा एरोप्लेन, काइट, हेलीकॉप्टर, स्पेस शटल. द आंसर इज डेकोटा एरोप्लेन. नरेटर डेकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था. वेयर वाज द पायलट गोइंग. पायलट कहां जा रहा था. द आंसर इज द पायलट वाज गोइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड. पायलट फ्रांस से इंग्लैंड अपने घर वापिस जा रहा था. नेक्स्ट, व्हाट वाज द नरेटर ड्रीमिंग अबाउट व्हाइल गोइंग बैक हिज होम फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड. जब नरेटर फ्रांस से इंग्लैंड अपने घर वापिस जा रहा था तो वह किसके बारे में सपने ले रहा था. ही वॉज ड्रीमिंग मीटिंग हिज फ्रेंड्स. ही वॉज ड्रीमिंग अबाउट हिज बिलव्ड. ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद हिज फैमिली. ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज नेटिव प्लेस. द आंसर इज ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद हिज फैमिली. जब कथावाचक फ्रांस से इंग्लैंड अपने घर वापिस जा रहा था तो वह अपनी छुट्टी और अपने परिवार से मिलने के बारे में सपने ले रहा था. When did the pilot think that he should call Paris control room? पायलट को यह कब लगा कि उसे पेरिस कंट्रोल में फोन करना चाहिए. When he saw the fire in the control room, when he saw something suspicious, when he saw the lights of a big city in front of him, all of the above. The answer is when he saw the lights of a big city in front of him. जब पायलट ने अपने सामने एक बड़े शहर की लाइटों को देखा तो पायलट को लगा कि उसे अब पेरिस कंट्रोल रूम में फोन करना चाहिए. नेक्स्ट, व्हाट डिड द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर द पायलट. रेडियो ने पायलट को क्या निर्देश दिए, क्या उत्तर दिया. टोल्ड हिम टू टर्न द डीएस 088 टू 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड. टोल्ड हिम टू मेक डीएस 088 लैंड. टोल्ड हिम टू चेक द फ्यूल टैंक. टोल्ड हिम टू इंक्रीज द स्पीड. द आंसर इज टोल्ड हिम टू टर्न द डीएस 088 टू 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड. रेडियो ने पायलट को निर्देश दिया कि उसे डीएस 088 को 12 डिग्री पश्चिम दिशा में इंग्लैंड की तरफ मोड़ देना चाहिए. एट व्हाट टाइम डिड द नरेटर थिंक दैट ही वुड रीच एट हिज होम इन इंग्लैंड. कथा वाचक के अनुसार वह इंग्लैंड अपने घर कब पहुंच जाएगा. बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर, बिफोर डस्क. द आंसर इज बिफोर ब्रेकफास्ट. कथा वाचक सोचता था कि वह ब्रेकफास्ट से पहले अपने घर वापस पहुंच जाएगा. हाउ फार फ्रॉम फ्रांस हैड द पायलट गोन व्हेन ही सॉ स्टॉर्म क्लाउड्स. जब कथावाचक ने बादलों में तूफान को देखा तो वह फ्रांस से कितनी दूर जा चुका था. द आंसर इज फ्रॉम फ्रांस द पायलट हैड गोन 150 किलोमीटर. जब कथावाचक ने स्टॉर्म क्लाउड्स को देखा तो वह पेरिस से 150 किलोमीटर दूर जा चुका था. व्हाट वर द स्टॉर्म क्लाउड्स लुकिंग लाइक टू द नरेटर. कथावाचक को
स्टॉर्म क्लाउड्स, बादलों वाले तूफान कैसा दिखाई दे रहा था, लाइक बिग माउंटेन्स, लाइक ब्यूटिफुल माउंटेन्स, लाइक स्मॉल माउंटेन्स, लाइक ब्लैक माउंटेन्स, द आंसर इज लाइक ब्लैक माउंटेन्स। नरेटर को बादलों वाला तूफान काले पहाड़ों की तरह दिखाई दे रहा था। What happened to the compass and the radio? Compass और radio को क्या हो गया था? They were dead, they were missing, they were working in proper condition, they were giving wrong signal. The answer is they were dead. Compass और radio खराब हो चुके थे। Why did the pilot not turn the aeroplane back towards Paris? Pilot ने aeroplane को वापिस Paris की तरफ क्यों नहीं मोड़ा? Because he did not want to go to home soon. Because he wanted to get home and have breakfast. Because he did not receive signal from Paris. None of the above. The answer is because he wanted to get home and have breakfast. Pilot ने aeroplane को Paris की तरफ वापस इसलिए नहीं मोड़ा क्योंकि वह घर जाना चाहता था और breakfast करना चाहता था। Next, why could the narrator not find out where he was? नरेटर को ये पता क्यों नहीं चला कि वह कहाँ है? बिकॉज ही लॉस्ट हिज वे, बिकॉज रेडियो एंड कंपास वर डेड, बिकॉज ही लॉस्ट हिज मेमोरी, नन ऑफ द अबव द आंसर इज बिकॉज रेडियो एंड कंपास वर डेड। क्योंकि रेडियो और कंपास खराब हो चुके थे इसलिए नरेटर को यह पता नहीं चला कि वह कहाँ है। वेयर वाज द पायलट लॉस्ट? पायलट कहाँ खो गया था? इन द सी, इन द फॉरेस्ट, इन द स्टॉर्म, इन द माउंटेन। द आंसर इज इन द स्टॉर्म। पायलट स्टॉर्म तूफान में खो गया था। नेक्स्ट, हु हेल्प द पायलट गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म? पायलट की तूफान से बाहर निकलने में मदद किसने की? अनदर पायलट, हिज वाइफ, हिज सन, हिज मदर। द आंसर इज अनदर पायलट। एक दूसरे पायलट ने पायलट की तूफान से बाहर निकलने में मदद की। हाउ मच फ्यूल वॉज लेफ्ट इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक? ओल्ड डेकोटाज के आखिरी टैंक में कितना ईंधन बचा था? द आंसर इज फॉर 5 to 10 minutes फ्लाइट। 5 से 10 मिनट की उड़ान के लिए ओल्ड डेकोटा के आखिरी टैंक में ईंधन बचा था। नेक्स्ट, वाई डिड द नरेटर वॉन्ट टू थैंक द अदर पायलट? नरेटर दूसरे पायलट का धन्यवाद क्यों करना चाहता था? बिकॉज ही हैड हेल्प्ड हिम गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म, बिकॉज ही हैड गिवन हिम फ्यूल टू फ्लाई एरोप्लेन, बिकॉज ही हैड गिवन हिम समथिंग टू इट, ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज Because he had helped him get out of the storm. क्योंकि दूसरे पायलट ने नरेटर की तूफान से बाहर निकलने में सहायता की थी इसलिए नरेटर दूसरे पायलट का धन्यवाद करना चाहता था। Why was the woman in the control center surprised when the narrator asked her about the other pilot? जब नरेटर ने कंट्रोल सेंटर में महिला से दूसरे पायलट के बारे में पूछा तो महिला अचंभित क्यों हो गई? बिकॉज द नरेटर वॉज वेरी टॉल, बिकॉज द नरेटर वॉज वेरी शॉर्ट, बिकॉज नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग दैट नाइट एक्सेप्ट द नरेटर्स एरोप्लेन, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज बिकॉज नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग दैट नाइट एक्सेप्ट द नरेटर्स एरोप्लेन। महिला इसलिए अचंभित हो गई क्योंकि उस रात नरेटर के एरोप्लेन के अलावा कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था।